साल चल रहा था वो हमसे रुखसत हो गया है। अब ये नया साल स्टार्ट हुआ है, नया साल चालू हुआ है जो 1438 हिजरी है। इस्लामी साल का, हिजरी साल का ये नया साल है। मैंने आपके सामने इसी मुनासिबत से एक आयत करीमा पढ़ी है जो सूरह फजर आयत नंबर 18 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये हुक्म दे रहे हैं कि हम अपना मुहासबा करें। साल जो गुजर गया उस साल में हमने जो कुछ आमाल किए हैं, जो कुछ काम किए हैं, उनका हम मुहासबा करें, उनको हम देखें, जांच पड़ताल करें कि गुज़िश्ता साल में हमसे कितने अच्छे काम हुए हैं और कितने गलत काम हुए हैं। और जब हमें ये पता चल जाए कि हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वत्तकुल्लाह, तो तुम अल्लाह ताला से डर जाओ, खौफ खा लो और उन गलत कामों से तौबा और इस्तग़फ़ार कर लो, तौबा और इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि आपने जो कुछ काम किया है चाहे अच्छे चाहे बुरे, उन तमाम कामों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छी तरह से जानने वाला है। उससे हमारा कोई भी काम मख्फी नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, पोशीदा नहीं है। उसी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क़यामत के दिन जज़ा और सज़ा देंगे। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये हुक्म दे रहे हैं कि हम अपने अमलों का जायज़ा ले लें, अपना मुहासबा कर लें। हम तमाम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कोई भी अपना हिसाब किताब करता रहता है, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई आदमी हो, या कोई भी हो, जो अपने आप का जायजा लेता है, मुहासबा करता है, ऐसा आदमी कामयाबी की तरफ जाता है, ऐसा आदमी कामयाब होता है, कामरान होता है। और जो आदमी मुहासबा नहीं करता है, अपने पूरे साल के कार्यकर्दगी को का जायजा नहीं लेता है, ऐसा आदमी कामयाब नहीं हो पाता है, ऐसा आदमी नाकाम ना मुराद हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें यह हुक्म दिया है कि हम अपने अमलों का मुहासबा करें। होना तो ये चाहिए कि हम में का हर आदमी डेली रोजाना जब बिस्तर पर जाए सोने के लिए, तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए ठहर जाए और गौर फिक्र करे कि आज के दिन में, जो अभी दिन गुजार करके हम आए हैं, आज के दिन में हमसे कितने अच्छे काम हुए हैं और कितने गलत काम हुए हैं। इस तरह से मुहासबा अगर बंदा करता रहेगा तो फिर क्या होगा, गलत काम नहीं करेगा और अच्छे कामों की तरफ उसके कदम उठेंगे। और वो आदमी जब अच्छे काम करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब हो, कामरान हो जाएगा। तो जब हम अपना जायजा ले लें अपने अमलों का, और जब हमें ये पता चल जाए कि हमसे फलां फलां गलती आज के दिन या हफ्ते भर में इतनी 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 गलतियां हमसे हुई हैं, तो ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान को हम याद करते हुए तौबा और इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला सूरह नूर आयत नंबर 31 में फरमाते हैं, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ। اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جب آپ محاسبہ کرو گے، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھ سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اور پھر آپ توبہ اور استغفار کرو گے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو گے، تو اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دیں گے۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، انی اتوب الی اللہ واستغفرہ فی الیوم 100 مرہ۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں، صرف ایک دن میں، میں ایک دن میں اللہ رب العالمین
से तौबा और इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा करता हूँ। 100 मरतबा एक दिन में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से 100 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे भाई और दोस्तों, हमें ये गौर फिक्र करने का मुकाम है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला ने माफ कर दिए थे। इसके बावजूद हमारे आका सल्लम का मामला ये है कि वो डेली 100 बार से ज्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे। हम लोगों का मामला क्या है, हम लोग तो गुनाहों में लथपथ हैं और हमारे बारे में कोई सर्टिफिकेट नाजिल नहीं हुई है कि अल्लाह ताला ने हमें बख्श दिया, हमें माफ कर दिया किसी के बारे में। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात आ चुकी है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिए थे और माफ फरमा दिए हैं। इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज आना डेली दिन भर में 100 बार तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे। तो हम लोगों को चाहिए कि हम बदरज़े औला हम रोजाना अपने अमलों का इजाजा लेने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला के वादा के मुताबिक हम कामयाब और कामरान हो जाएंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, उनका कहना है, वो फरमाते हैं हासिबु क़ब्ल अन तुहासबू, कहते हैं कि तुम अपना मुहासबा कर लो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। हमारा मुहासबा कब होगा? क़यामत के दिन होगा। एक एक सेकंड का हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर मैदान महशर में अपने एक एक सेकंड का हिसाब देना पड़ेगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि तुम अपना मुहासबा कर लो, अपने अमलों का जायजा इसी दुनिया की जिंदगी में ले लो, नहीं तो क़यामत के दिन जब तुम्हारा मुहासबा होगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही के बारे में आता है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त अपने पाँव पर दुर्रा मारते थे। अपने पाँव पर क्या मारते? दुर्रा मारते, कोड़ा मारते, दुर्रा मारते और फरमाते तूने आज क्या क्या काम किया है, ये है मुहासबा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह से मुहासबा करते थे। रात में जब बिस्तर पर जाते थे तो अपने पूरे दिन के कामों कारकर्दगी कामों का जायजा लेते थे और कहीं पर कोई गलती अगर उन्हें नजर आती थी तो अपने आप को सजा देते थे और अपने आप को कहते थे कि अरे उमर तूने ये काम क्यों किया, तूने ये काम क्यों किया। इसी तरह से एक और सहाबी हैं हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में आता है कि एक मर्तबा एक दिन वो नमाज से गाफिल हो गए। एक दिन सिर्फ वो नमाज से क्या हो गए? गाफिल हो गए, यानी उनके पास एक बागीचा था खजूर का वगैरह वगैरह बागीचा था, उसके अंदर वो काम कर रहे थे और भूल गए, नमाज का वक्त निकल गया। जब उन्हें होश आया तो वो फौरन उन्होंने नमाज को अदा किया और उन्होंने क्या किया, अपने उस बागीचे को जिसने उनको अल्लाह की इस इबादत अजीम इबादत से रोके रखा था उसको उन्होंने खैरात कर दिया, उसको उन्होंने गरीबों और मिस्कीनों के लिए वक्फ कर दिया कि इसका जो फल आएगा ये गरीबों और मिस्कीनों के लिए। सुभानअल्लाह। तो ये हमारे असलाफ थे जो अपना मुहासबा किया करते थे। एक छोटी सी गलती भी अगर इनसे हो जाती थी तो फौरन उसको उसकी भरपाई करने की फिक्र में लग जाया करते थे। एक और सहाबी हैं हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में आता है कि ये चिराग के पास अपनी उंगली आग के लौ पर ला करके रखते, चिराग जलाते। और आजकल लाइटें हैं, पहले जमाने में लाइटें वगैरह नहीं थी, दिया और चिराग ही जलते थे। तो ये जब चिराग जलाते तो अपनी उंगली को उस चिराग के आग के लौ पर ऐसे उलटते पलटते थे, क्यों? ताकि उन्हें उनके उंगली को या उन्हें उस आग की तपिश का अंदाजा हो जाए। और फिर वो कहते थे कि ए अहनफ तूने ये फला फला काम क्यों किया,
क्या तुझे नहीं मालूम कि जहन्नम की गर्मी कितनी सख्त होगी, जहन्नम की गर्मी कितनी सख्त होगी, ये चिराग की जो गर्मी है, इसके आग के जो लौ लौ है, इस पर जो हम उंगली अपना उलट फेर कर रहे हैं और हमारी उंगली जल रही है, इससे भी कहीं ज्यादा सख्त जहन्नम, जहन्नम की आग होगी। तो फिर तूने ये जो गलत काम, जो तुझसे ये गलती हुई है, किस बिना पर हुई? तो इस तरह से सहाबे किराम और आइमे दीन अपने अमलों का जायजा लिया करते थे और तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे, जन्नत और जहन्नम को याद करते थे। एक शख्स के बारे में आता है कि उसने, वो कहीं पर जा रहा था, एक मर्तबा उसकी निगाह ऊपर को चली गई, ऊपर उसकी निगाह ऊपर उठ गई तो मकान पर खड़ी एक औरत पर उसकी नजर पड़ गई। उनकी नजर पड़ गई। उसने आइंदा पुख्ता अज्म कर लिया कि वो जिंदगी भर आसमान की तरफ नजर नहीं उठाएगा। देखा आपने, हम लोग का मामला क्या है, हम लोग मार्केट में, बाजार में, घर में, गांव में चलते हैं, चक 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 चक, हैं कौन कैसा है, क्या कर रहा है। देखिए, ये हमारे असलाफ थे कि एक मर्तबा से उनकी निगाह, जैसे उनकी निगाह ऊपर हुई तो देखा वहां पर एक औरत खड़ी थी। उन्होंने ये अज्म कर लिया कि अब मैं कभी भी दोबारा आप ऊपर की तरफ नहीं देखूंगा, ताकि किसी की माँ बहन बेटी पर हमारी निगाह न पड़ने पाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम मुसलमानों को चाहिए कि ये जो साल हमसे गुजर गया है, इस साल के अंदर हमसे कितने अच्छे काम हुए हैं, कितने गलत काम हुए हैं, इनका हम थोड़ी देर के लिए जायजा ले लें, सोच लें। जो बड़े बड़े मोटे मोटे, हो सकता है छोटे छोटे जो आपसे गलतियां हुई हों वो याद ना आए, लेकिन जो मोटी मोटी जो गलतियां हुई, जैसे नमाज से गाफिल हुए आप, किसी की गिबत आपने की है, किसी की चुगली आपने की है, किसी मुसलमान को गाली आपने दे दिया है, किसी को बुरा भला आपने, वगैरह वगैरह जो मोटी मोटी चीजें हैं, खास तौर से उन पर आप गौर फिक्र करें। और इस साल जो ये जो नया साल चल रहा है, इस साल में आप ये अल्लाह ताला से अहद और पैमान करें कि ऐ बारे इलाह, तो हमें बख्श दे और माफ फरमा दे, गुज़िश्ता साल जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो कमियां और कोताहियां हमसे हुई हैं, इस साल इंशाअल्लाह ताला हमसे वो गलतियां नहीं होने पाएंगी। अगर आप इस तरह से अल्लाह ताला से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला के वादा के मुताबिक आप कामयाब व कामरान हो जाएंगे। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मुहासिबे नफ्स के तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको खैर और भलाई के काम करने की तौफीक दे और बुरे कामों से बचाए, दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन। برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام.